मंडला जिले में पिछले 2 साल से प्रजापति समाज भसुआ रेत को लेकर परेशान है। अपनी समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित प्रशासन को कई बार आवेदन दिया, लेकिन जब कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई तो बुधवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया और मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंडला जिले में कुम्हार प्रजापति समाज पिछले 2 वर्षों से ईंट कवेलू निर्माण के उपयोग में आने वाली भसुआ रेत को लेकर परेशान है, परंतु जिला प्रशासन के द्वारा अब तक उनकी मांग का कोई निराकरण नहीं किया गया, जिससे नाराज प्रजापति समाज के लोगों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। कुम्हार समाज के जिलाध्यक्ष ने बताया कि मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम 1996 में कुम्हार समाज को रेत और मिट्टी उपलब्ध कराने का प्रावधान है, बावजूद समाज पिछले 2 साल से भसुआ रेत के लिए परेशान है। मध्य प्रदेश शासन जो है, जो एक अधिनियम है गौण खनिज अधिनियम, उसकी 1996 उसकी धारा 3(1) में हमें कुम्हार समाज जो है, अनुवांशिक कुम्हार समाज को एक रेत और मिट्टी की उपलब्ध कराने की एक प्रावधान है, उसके तहत हम लोग मांग कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में मंडला में विभिन्न से रेत ठेकेदार जो आए हैं, वो हमें न छिटवा टोकनिया में, ना ही हमें किसी ट्राली जैसे दूर काम लगाते हैं। तो अब वो नदी तो एक है, रेत खदान भी एक ही है, एक निश्चित जगह पे रेत उपलब्ध है, लेकिन वो जो दूर हमारे कुम्हार भाई जो काम लगाते हैं, ईंट का कार्य करते हैं, उनके लिए बारीक जो रेत भसुआ जो अन्य सामाजिक कार्यों के लिए अनुपयोगी है, वाणिज्यिक व्यवहार के लिए अनुपयोगी है, तो उसके उस रेत के लिए जो हमारे कुम्हार समाज के लोगों को बहुत ही उपयोगी है, जो ईंट को और बर्तन को लपेटने जो हम सांचा से निकालते हैं उसके यूज होता है वो, तो वह जो रेत हम डिमांड कर रहे हैं। ऐसे हमने 6 जगह चिन्हित किया है, एक चिन्हित किया हमने बरबसपुर किया है, देवगांव किया है, टिकरबारा, सिलगी, ठरका और आपके रामपुर, ये 5-6 जगह हम पूरे ज़िले भर के प्रत्येक गांव में हमें रेत की खदान या रेत उपलब्ध हो जाए, ऐसे हम डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम मात्र निश्चित शासन प्रशासन को देखते हुए और रेत की समस्या को देखते हुए मात्र हम 6 जगह पर हम ये डिमांड रख रहे हैं। चूँकि रेत खदानों की मनमानी चल रही है, रेत ठेकेदारों की मनमानी चल रही है, खनिज अधिकारी हमें रेत उठाने नहीं देते, यदि हम अपने कुम्हार भाई यदि रेत निकाल कर अपने ठिकाना पे ले जाते हैं, यदि अपने जगह पे ले जाते हैं ईंट बनाने के लिए, तो उनको हम जुर्माना लगाया जाता है, 50,000 रुपये वसूला जाता है उनसे। तो इसको देखते हुए अब हमारे कुम्हार, आपको संज्ञान में होगा कि हमारा कुम्हार समाज बाकी ज़िलों में तो हरिजन में आता है, मतलब एक गरीब तबका हमारा कुम्हार समाज है, प्रत्येक कुछ ही लोग चंद लोग यदि बड़े हैं तो क्या हम बड़े हो गए? ऐसा कोई कुम्हार समाज, आज ऐसी स्थिति आ गई है कुम्हार समाजों की, लोगों के उनके बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं है, उनको रोज़मर्रा की जीवन को सामग्री लाने की व्यवस्था नहीं है। यदि हमें इस प्रकार की रेत नहीं मिलेगी, बारीक रेत यदि नहीं मिलेगी, और जो कि एकमात्र साधन हमारा ईंट निर्माण और बर्तन निर्माण है, इसके अलावा हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते, लेकिन उस निर्माण जो व्यवसाय हमारा, वो भी हमसे बगैर रेत के हमसे छीना जा रहा है। तो जो प्रावधान में है, जो मध्य प्रदेश शासन ने आदेश किया है और जो प्रावधान है मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम में, वो हमें मिलना चाहिए। इसकी मांग को लेकर आज हम लोग जो है पिछले 2 वर्षों से हम परेशान हुए हैं, फाइलें यहाँ वहाँ घूमी हैं, फाइलें यहाँ जमा है, वहाँ जमा है, हम लोग जो कि व्यवस्थित किए हैं, लेकिन आज जो धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट घेराव है जो उसी मांग को लेकर है, जो कलेक्ट्रेट जो ये शासन है मध्य प्रदेश शासन और ये जिला प्रशासन, ये किसी प्रकार। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।